अबे ये क्या कर रहा है, लगे कैमरे से ट्रिम कर रहा है। एक और चीज बोलनी है ना, सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। मैं आपका नोबेल व्लॉगर, कैसे हो। सो बड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले अभी मेरे ब्रदर की मैरिज थी, तो डेट्स वाई मैं वहां पे फंक्शन में बहुत सारा बिजी था, मैरिज रिसेप्शन सब कुछ था, तो इसीलिए काफी दिन से मैंने वीडियो कोई शूट वगैरह नहीं किया। जो मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि मैं कहाँ पे बिजी था। सो अभी जस्ट आज है मंडे और डे है 1 मार्च और आज करेंगे अब हम शोल्डर वर्कआउट। तो पिछला वर्कआउट आपने देखा होगा चेस्ट वर्कआउट किया था, उसके बाद मैंने किया ही नहीं, एक हफ्ते का पूरा गैप डल गया, बट लेकिन मैंने डाइट अपनी कंट्रोल पे रखी थी। तो अभी क्या करेंगे, पहले फटाफट अभी जस्ट रेडी हो गए और निकलते हैं अभी जिम के लिए और आपको मिलते हैं सीधा जिम पे। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोबेल व्लॉगर को। अगर आप मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो आईडी यहाँ पे आ रही होगी, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं आपको आज नए वर्कआउट के साथ। चलो फिर चलते हैं, रेडी होते हैं और देन निकलते हैं जिम पे और आपको जिम पे ही सीधा मिलते हैं। तो जिम तो हम अभी पहुंच गए हैं। एक चीज़ आपसे शेयर कर दूं, लाइफ सही नहीं आ रही थी कि अमृतसर में फिर से मास्क के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ताई हो गई थी। बट पहले काफ़ी दिनों पहले हो रहा था कि कई लोग मास्क वगैरह नहीं डाल रहे थे, बट लेकिन अभी फिर से डालना स्टार्ट किया था। तो सर्दी ऑब्वियसली अभी जा चुकी है, फिर देन नॉर्मल अभी एटमॉस्फेयर फिर दोबारा से ऐसा हो चुका है, अभी फॉग वगैरह सुबह नहीं डलती। एक चीज़ आपसे और शेयर कर दूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बार बताया था ना कि हाँ भी मैं 15 दिन यूज़ करता हूँ प्री वर्कआउट के तौर पे एज ए कॉफ़ी को, बट लेकिन अभी मैंने आपको सुबह जैसे बताया होगा मैंने अभी कोई भी यूज़ ऐसे नहीं करता हूँ प्री वर्कआउट। 15 दिन छोड़ता हूँ फिर 15 दिन फिर लेता हूँ, ताकि अपनी एक्चुअल जो हमारी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है ना उसका पता लगता है एग्जैक्टली। चलो फिर जिम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, देन आपको मिलते हैं फिर। सो वार्म अप हो गया डन, और जो आज की एक्सरसाइज होगी शोल्डर की, और इसमें भी आप देखोगे कि 3 सेट पहले नॉर्मल हो गए, अभी फिर 14 सेट, फिर देन ड्रॉप सेट होगा। और जो ड्रॉप सेट होगा वो भी आपको एक बार बता देता हूँ, 20, 15, 10 एंड 5 होगा, आई थिंक 8 होगा, डिपेंड ऑन योर मतलब आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो जाता है कि आप 8 भी लगा सकते हैं, एंडलेस सेट 5 भी लगा सकते हो, रेपिटेशन जितनी होगी। बट 3 सेट हो गए जो नॉर्मली आपके होगा, 20 पहला सेट 20 सेट का, देन सेकंड सेट 15 और थर्ड सेट 12 रेप का, यही होगा अभी। और टोटली एक्सरसाइज अगर आपको मैं बताऊँ तो इसकी टोटल एक्सरसाइज 6 होंगी, 6 एक्सरसाइज होंगी शोल्डर की। पहला जस्ट अभी जो वार्म अप करूँगा वो आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. breakdown. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. सो वर्कआउट हो गया डन, और अभी हम करेंगे कार्डियो 20 मिनट्स ओनली, ठीक है? सो वर्कआउट हो गया डन, और अभी निकलते हैं घर की तरफ। जो भी डाइट लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो घर पे भी पहुँच गए, बैग थोड़ा आ रहा होगा, बाबा जी का पाठ हो रहा है, और अभी जस्ट घर पे पहुँचे हैं। तो पहले करते हैं अपना जो भी पहला मैं लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ, देन फटाफट रेडी होते हैं, देन जॉब के लिए निकलते हैं। और आपको आज का वर्कआउट कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताना। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और नोबेल व्लॉगर को। अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो आप वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो फिर जल्दी रेडी होते हैं, सांस चढ़ी हुई, अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ घर पे और सिर्फ आधा घंटा, जल्दी से जल्दी रेडी होकर निकलते हैं सर जॉब के लिए। हमारा फर्स्ट मील 2 चपाती, थोड़ी सी दाल, सैलेड और ऑरेंज जूस, यही है मेरा फर्स्ट मील पहला। सो ये रहा मेरा लंच, थोड़ा सा चावल और साथ में दाल, यही है मेरा लंच, मेरा सेकंड मील। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स नेक्स्ट डे। तो कल का आपको मैंने व्लॉग एंड किया ही नहीं था, तो रात को जॉब से काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी ये चीज़ थी कि आपके साथ मैंने ब्रेकफास्ट भी शेयर कर दिया था, लंच भी शेयर कर दिया था, और एक चीज़ और शेयर कर दूं कि जब मैंने लंच किया था वो मैंने 6 बजे किया था, बिकॉज मैं आफ्टरनून में जाता हूँ, 10 से 12 बजे के बीच में जाता हूँ, मैंने जॉब पे 1 बजे जाना होता है। सो डेट्स फास्टिंग हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 14 to 16 आवर्स की, और उसके बाद देन जो पहला मील मैं लेता हूँ वो 1 बजे लेता हूँ, वो दोपहर का ही टाइम हो जाता है आफ्टरनून का, जब मैं अपना मॉर्निंग पहला मील लेता हूँ। देन उसके बाद अभी जब मैंने सेकंड मील लिया था वो मैंने 6 बजे लिया था, सुबह 6 बजे मैंने अपना जो मील लिया था वो आपके साथ मैंने शेयर किया था, थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी दाल। और उसके बाद देन मैंने फास्टिंग की, रात को कुछ नहीं खाया और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर जिन्होंने मेरे चैनल को प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोबेल व्लॉगर को। अगर आप मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो बने रहो, ऐसे ही न्यू वीडियो आती रहेंगी। तो सॉरी पहले तो कि ये प्रीवियस वीक मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली एक वीडियो के अलावा, बिकॉज ब्रदर की मैरिज थी तो डेट्स वाई मैंने मतलब उसमें वहाँ पे बिजी था। तो यही था इस वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, स्टे फिट स्टे हेल्दी। अगर किसी को जो भी मैं ट्राइपॉड और ये माइक यूज़ कर रहा हूँ अगर किसी को चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके परचेज कर सकते हो। सो बाय बाय गाइस। I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now, I won't ever let my thoughts get away now, I got better things to do, picking fate